आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बीच विशेष रूप से पधारे देश के, मैं पत्रकार, लेखक, फोटो जर्नलिस्ट उससे ज़्यादा चिंतक कहूँगा, क्योंकि उनको देश की, उनकी बातों में, उनकी लेखनी में देश के बारे में एक बहुत अलग तरह की चिंता झलकती है। तो चिंतक श्री साईनाथ जी, मैं अपनी सरकार की ओर से और दिल्ली विधानसभा की ओर से श्री पी साईनाथ जी का इस सदन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे बीच में आके उन तमाम चीज़ों को जिनको आप लिखते रहे हैं, जिनके बारे में हम आपके लेखे को पढ़ते रहे हैं, उनको, उसके एक छोटे से हिस्से को जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसको यहाँ रखने का आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। साथियों, मैं जब पत्रकारिता की तैयारी कर रहा था, पत्रकारिता नहीं कर रहा था, पत्रकार बनने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त से पी साईनाथ जी को पढ़ रहा हूँ। और जब हम आंदोलन में थे, जब देश के मुद्दों पर एक आंदोलनकारी की दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उनके लिखे हुए को पढ़ना हमेशा एक गाइडेंस जैसा लगता था कि जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पीड़ा को हम महसूस कर पा रहे हैं, पी साईनाथ जी उनको शब्द दे देते थे, उनको शब्दों सिलसिलेवार तरीके से लिख के रख देते थे। तो कई बार हमें ऐसा लगता था जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो यहाँ लिखी हुई है, वो तो इन्होंने बहुत सलीके से, बहुत करीने से पहले लिख दी है या लिख रहे हैं। जो इनकी किताब है एवरीवन लव्स ए गुड ड्राउट, वो सिर्फ ड्राउट की कहानी नहीं है, वो हर जगह की कहानी है। वो इसकी, वो अकाल में कैसे पैसा लुटता है, कैसे बर्बाद होता है, कैसे अकाल बना रहता है, कैसे अकाल को फिर चलाए रखना लोग पसंद करते हैं, ये सिर्फ वहीं की कहानी नहीं है जहाँ अकाल पड़ता है, ये तो हमारी झुग्गियों की कहानी भी है जहाँ हम राशन बांटने की कोशिश करते हैं, ये पेंशन से लेके, राशन से लेके, गरीबी से लेके, इस देश की समस्याओं को हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व ने क्यों बना के रखा, कैसे उसको जानबूझ के सींचा ताकि वो बनी रहे और हमारी दुकानदारी चलती रहे, उसकी एक कहानी वो लिखते हैं या उनके किताबों में उनसे मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी, विधायक साथी तमाम, उनकी जो पैनी दृष्टि है उसका फ़ायदा उठाएंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे कामकाज में, हमारे अंदर भी देश की समस्याओं को, देश की जिन चीज़ों का, अच्छी बात यह है कि हम लोगों के हिस्से में सॉल्यूशन देना है। आज हम जितने लोग विधायक के रूप में यहाँ बैठे हैं, सरकार के रूप में बैठे हैं, हमारे हिस्से में सॉल्यूशन देना हमारी जिम्मेदारी है, पर जिन समस्याओं का, जिन चीज़ों का सॉल्यूशन देना है, उन पर पैनी दृष्टि पैदा करवाने का जो काम पी साईनाथ जी ने किया है, उसकी एक शायद झलक हमको देखने को मिलेगी। मैं ज़्यादा नहीं बात रखूँगा, क्योंकि जिसको हम सुनने के लिए बैठे हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं सुनना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।